एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं मेकअप लुक क्रिएट करने लगी हूँ। मैं आज जो ड्रेस पहना है ये आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा वेलवेट का ड्रेस है और नीचे ये लहंगा है पूरा इसका। तो ये मैंने पहना है ब्रात मेकअप लुक के लिए। मैं ब्रात मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ इस ड्रेस पे। तो मेरा ब्लैक कलर का ये ड्रेस था, बहुत ही प्यारा। तो इसके साथ इयररिंग्स भी मैंने मैच किए हैं, वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ और मेकअप अपना स्टार्ट करते हैं। तो ये इसके साथ मेरे इयररिंग्स हैं जो मैं अभी भी पहन लूँगी, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे और इसके लहंगे के साथ भी मैच हो रहे हैं और ड्रेस के साथ भी। तो आप लोग देख सकते हैं ड्रेस के साथ बिल्कुल इसका कलर मैच हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे और अच्छे से मतलब हैं और ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। पहले मैं स्किन प्रेप करूँगी और मैं अपनी स्किन पे लोशन लगाऊंगी सबसे पहले, और फिर मैं स्किन प्रेप करने के बाद अपना जो मेकअप है वो स्टार्ट कर दूँगी। तो अभी मैं ये स्किन पे लगा लूँगी अपने लोशन सारा। तो अभी मेरे फुल फेस पे ये अप्लाई हो चुकी है, जो बच जाए वो आपको हाथों पे कर ले। तो मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं बीबी क्रीम लूंगी, गार्नियर की मेरे पास बीबी क्रीम है, अपने हाथ पे ले लूंगी, फिर अपने फेस पे इससे लगाऊंगी। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्रीम है, क्रीम कह रही हूँ बेस है। और मैं ये तकरीबन ख़त्म होने लगी, अब मैं चेंज कर लूँगी अपनी, कोई और लगाऊंगी क्योंकि मैं एक ही बेस नहीं लगाती, मैं चेंज करती रहती हूँ। तो अब मैं ये ले लूँगी, इससे अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड करके फिर आप लोग से आके मिलती हूँ। आज की वीडियो में मैं गोल्डन आई मेकअप लुक कर रही हूँ। तो अभी मैंने ये पैलेट ले लिया है, इसमें से मैं कलर लूँगी ये वाला। अभी मैंने देखा था पैलेट उल्टी है ना, इसलिए मैं कलर ही भूल दूँगी। ये वाला कलर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, गोल्डन टाइप से ही, और ये मेरे बिल्कुल जो ये डिज़ाइन है ना उसके साथ मैच हो रहा है। तो यही मैं अपनी आँखों पर अप्लाई कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं, तो अभी मेरी आंखों पे अप्लाई हो चुका है। और इसके साथ मैं सोच रही हूँ एक और कलर लगाऊँ जो नीचे लगेगा, मैं अपने लिए ब्रश लेके आती हूँ। मेरा ब्रश, अब मैं ये वाला ब्राउन कलर ले लूँगी, ब्राउन सा कलर है, और ये मैंने अपनी आंखों पे नीचे लगाना है क्योंकि आंखों के नीचे बहुत प्यारा लगता है। इस आँख पर हो गया, मैं इस आँख पर अप्लाई करती हूँ और फिर आती हूँ। तो अभी मेरी आँखों पर कलर डन हो चुका है, मैं हाईलाइटर ले लूँगी। हाईलाइटर से मैं जो हूँ अपनी ये हाईलाइट कर लूँगी, और सेकेंड आँखों को मैं करूँगी हाईलाइटर से। तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरा अप्लाई हो चुका है। तो अब मेरा ब्लशन रह गया, मैं ब्लशन लेके आती हूँ, वो अपने ब्लश अप्लाई करती हूँ। तो ये रहा मेरा ब्लशन, अब मैं अपने ब्लशन अप्लाई कर लूँगी फेस पे। तो ब्लश भी मेरा अप्लाई हो चुका है, तो ऐसे इधर इधर भी कर लेते हैं, पिंक पिंक लगे। अब मैं हाईलाइटर लगाऊंगी। तो ये रहा मेरा हाईलाइटर जो मैंने आप लोग अभी दिखाया है, और ये रहा साथ ब्रश। तो हम ब्रश से हाईलाइटर अपनी लगा लेंगे। तो अभी जो है मेरी सिर्फ लिपस्टिक रह रही है, वो मैं लेके आती हूँ। मैं मैट कलर आज लगाऊंगी, कोई सा भी डिसाइड करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे ये हुदा ब्यूटी का ये ब्राउन मैट कलर मिला है अभी, तो मैं यही अपने अप्लाई करूंगी होंठों पे। तो ये भी मेरा डन हो चुका है। मेकअप फिक्सर का एक स्प्रे लगाते हैं और मेकअप हमारा फिर पूरा प्रॉपर डन है। बस अब मैं अपने बाल जरा सेट कर लूँ और फिर आती हूँ। तो आप लोगों के साथ हेयर स्टाइल शेयर करती हूँ, बहुत ही सिंपल सा। मैंने ये रबर ले लिया ब्लैक कलर के, आप लोग ऐसे देख सकते हैं। तो अभी मैंने थोड़े से बाल यहाँ से ऐसे लिए हैं, बाकी बालों को पीछे कर लेना है हमने। थोड़े से बस यहाँ से लेने हैं, और थोड़े से हमने यहाँ से लेने हैं, बाकी को पीछे कर लेना है, और इनको ऐसे करके हमने रबर लगा लेनी है। और फिर आगे आप लोगों को पता ही आ गया, आप लोगों ने देखा ही होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वायरल था पिछले दिनों में। तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि मुझे बहुत पसंद है, इससे आगे बाल भी नहीं होते मुंह पे, और जो आपके बाल है वो सुनते रह जाते। इसको ऐसे एक दफ़ा हमने फोल्ड करना है अंदर से और फिर पीछे कर लेना है। इसको पीछे कर लिया, अब ये मेरा डन हो चुका है। अब हल्के से बाल जो है वो आप आगे कर लें, और ये मेरा डिज़ाइन जो है बन गया। ये सिंपल सा डिज़ाइन था। तो यही आज का मेरा मेकअप लुक था, और मैंने आपको उसका हेयर स्टाइल भी शेयर कर दिया। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कॉमेंट में बताएं ये लुक कैसा लग रहा है। और अब मैं जाती हूँ, बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।